कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपा कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्री। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील गुरु महाराज की जय। आज हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित भूलिया तुम्हारे समसारे आसिया वो जो भजन है उसके तात्पर्य के लिए के ऊपर में चर्चा करेंगे। ये भूलिया तुम्हारे समसारे आसिया जो भजन है 1893 में भक्ति विनोद ठाकुर की जब उम्र 55 साल की थी तब ये भजन के साथ साथ कई और भजन भी रिलीज हुए थे। अब साधारण भौतिक जगत में भी अगर कोई 55 साल का बूढ़ा व्यक्ति हमें कुछ विषय बताए तो हम बहुत सावधानी से सुनते हैं क्योंकि हम सोचते हैं 55 साल का वृद्ध व्यक्ति जो है उसमें हमसे अनुभव ज़्यादा है तो हम सोचते हैं कि उसमें हमसे अनुभव ज़्यादा है। तो जब कोई भौतिक आदमी भी 55 साल का होता है तो हम सोचते हैं उसमें हमसे अनुभव ज़्यादा है, उसने हमसे गर्मी सर्दी ज़्यादा देखी है और उसकी बात हम गौर से सुनना चाहते हैं। तो सोचिए कि भक्ति विनोद ठाकुर जैसा कोई शुद्ध भक्त जो भगवान का नित्य पार्षद है जब वो कोई भजन लिखता है और वो भी ऐसे उम्र में तो ज़रूर वो कितना महत्वपूर्ण होगा, कितने अनुभव से उन्होंने ये बातें लिखी होगी। तो आज मैंने सोचा कि हम उस भजन की दो दो पंक्ति गाएंगे और उसके बाद में उस भजन का तात्पर्य मैं बताऊंगी। वैष्णव आचार्य के भजन क्यों गाने चाहिए, क्यों समझने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा जो ये मन है ये मन बहुत सक्रिय है, एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है। ये मन कभी आराम नहीं करता, शरीर आराम करता है। जब रात को हम सो जाते हैं तो शरीर आराम करता है पर मन आराम नहीं करता। मन आराम नहीं करता इसीलिए तो स्वप्न आते हैं क्योंकि मन आराम नहीं करता।
और मन का और शरीर का जो स्वभाव है बहुत अलग है। जब शरीर की प्रक्रियाओं को विराम दिया जाए तो शरीर आराम करता है, लेकिन मन की प्रक्रिया बंद नहीं होती, हमेशा मन चलता रहता है। तो मन को आराम कैसे दिया जाए, कैसे मन को आराम दे? तो मन को आराम देना मतलब मन को ऐसी कोई चीज़ की तरफ ले जाना जिसको देखने से मन शांत हो जाएगा। ऐसी क्या चीज़ है जिसके तरफ अगर हम मन को केंद्रित करते हैं तो मन शांत हो जाए? भगवान के बारे में जब मन को बताते हैं, मन को भगवान की तरफ जब हम आकर्षण करवाते हैं तो मन शांत होता है। अगर मन भौतिक वस्तुओं की तरफ देखता है तो मन शांत नहीं होता है। साधारण हमारी एक मेंटालिटी ये है कि हम सोचते हैं कि मन को शांत करना मतलब कोई भौतिक सुख देना, लेकिन भौतिक सुख से मन शांत नहीं होता है, भौतिक सुख से मन और भी उत्तेजित हो जाता है। आप देखिए, साधारण तो जब कोई ऑफिस से आते हैं या कोई व्यापारी अपना बिजनेस टूर से वापस आते हैं या अपना दिनचर्या कंप्लीट करके घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोफा पे बैठ जाएंगे। क्या करना चाहेंगे, अपने शरीर को आराम देना चाहेंगे, और उसके बाद हाथ जाएगा टीवी के रिमोट के ऊपर और सोचेगा मैं थक के आया हूँ, थोड़ा देर टीवी देखूँगा तो मेरे मन को आराम मिलेगा, मेरा मन फ्रेश हो जाएगा। हालांकि उसका विपरीत होता है, मन को आराम उसमें नहीं मिलता है, मन उससे उत्तेजित होता है। क्या देखते हैं हम टीवी में? टीवी में हम जो देखते हैं वो हमारे मन को और उत्तेजित करता है, और भौतिक विषयों को पाने की इच्छा होती है। जब हम टीवी ऑन करते हैं, टीवी में जो विज्ञापन आते हैं वो हमारे मन को और चंचल बना देती है। आप साधारण तरह से टीवी देख रहे हो लेकिन टीवी में विज्ञापन आता है, विज्ञापन में धोनी बोलता है अगर आपका टीवी एलसीडी नहीं है तो वो डब्बा है। इमीडिएटली आपके मन में दुख होता है कि मेरा टीवी डब्बा है, मुझे अच्छा एलसीडी टीवी चाहिए। आप सुबह ब्रश करने जाते हो, आपका कोलगेट हाथ में लेते हो, आपके मन में विचार आता है मेरे कोलगेट में नमक नहीं है, क्योंकि टीवी में बोला था कि कोलगेट में नमक, गरम मसाला, काली मिर्ची सब होना चाहिए। मेरे कोलगेट में नमक नहीं है, मेरा टीवी एलसीडी नहीं है, मेरे फ़ोन में टच नहीं है, मेरे फ़ोन में इतना पिक्सल का कैमरा नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ, टीवी देखने के वजह से आपका मन उत्तेजित हो गया, आपके मन को आराम नहीं मिला। मन को आराम तभी मिलता है जब हम उसे भगवान से कनेक्ट करते हैं। कैसे करें भगवान से कनेक्ट, हम तो जानते ही नहीं है भगवान से कनेक्ट कैसे करते हैं। लेकिन ये जो वैष्णव आचार्य है उन्होंने इतने विभिन्न भजन लिखे हैं जिसके द्वारा वे मन को भगवान से कनेक्ट करते हैं। अब कोई बोलेगा कि ये वैष्णव आचार्य के जो भजन है ये तो उनकी पर्सनल प्रार्थना है, क्या हमें हमारी पर्सनल एक्सक्लूसिव प्रार्थना बनानी चाहिए या हमें उनकी प्रार्थना को हमें दोहराना चाहिए? क्योंकि आप ही बोलते हो कि भजन या पूजा या स्मरण तो दिल से होना चाहिए, वाक्य किसी का कॉपी करने से कैसे मन से होगा? ये जो वैष्णव आचार्य बोलते हैं ये तो बहुत ऊपर की स्टेज में है, हम तो अभी बहुत छोटे भक्त हैं। वो जो बोलते हैं वो शायद पूरा पूरा हम अपने मन में उसको ग्रहण भी नहीं कर पाते, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम भक्ति में नए हैं वो जो बोल रहे हैं उसे हमें तोते के जैसे रटना है। फिर धीरे धीरे तोते के जैसे रटते रटते एक दिन भगवान की प्रार्थना करना, भजन करना वो हमारी आदत बन जाएगी, और जब वो आदत बन जाएगी तब धीरे धीरे हम अपनी भजन भी अपने दिल से, अपने मन की रचना की हुई भजन से भी भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई, अगर किसी को पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि पहाड़ चढ़ने के लिए वहाँ कोई रास्ता नहीं है, आपको रास्ता भी बनाना है और पहाड़ भी चढ़ना है, तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन ऑलरेडी रास्ता बना हुआ है, सिर्फ आपको चढ़ना है, तो आपकी मुश्किल थोड़ी कम हो गई है।
तो ये वैष्णव आचार्य ऑलरेडी रास्ता बना चुके हैं, ऐसे करो, ऐसे सोचो, ऐसे बोलो, ऐसे गाओ, हमें सिर्फ फॉलो करना है, उनके पद चिन्हों में हमें फॉलो करना है। तो आज का ये जो भजन है बहुत ही सुंदर है, विशेष है, और विशेष इसीलिए है कि इस भजन में मेरी और आपकी कहानी है। भक्ति विनोद ठाकुर एक कहानी बताते हैं, और ये पूरा भजन जब हम गाएंगे, ये बात आप ज़रूर मन से याद रखना है कि भक्ति विनोद ठाकुर कोई बद्ध जीव नहीं है, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है और नित्य पार्षद है। ये जो भजन गा रहे हैं वो मेरे और आपके लिए है। तो अब हम ये गाना शुरू करेंगे, तो दो दो पंक्ति गाएंगे। आपके फ़ोन में ये भजन, अगर आपके पास ऐप है तो आप शुरू करिए। दो पंक्ति मैं गाऊंगी, मेरे पीछे गाइए, फिर मैं और दो पंक्ति गाऊंगी, मेरे पीछे गाइए, फिर हम सब साथ में मिलके चारों पंक्ति गाएंगे। भूलिया तुमारे समसारे आसिया पे नाना विधा बैठा, भूलिया तुमारे समसारे आसिया पे नाना विधा व्यथा, तुमार चरणे आसिया चिया में बोलिबो दुखेर कथा, तुमार चरणे आसिया चिया में बोलिबो दुखेर कथा। मेरे साथ, भूलिया तुमारे समसारे आसिया पे नाना विधा व्यथा, तुमार चरणे आसिया जिया मी बोलिबो दुखेर कथा। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, भूलिया तुम्हारे समसारे आसिया, ठाकुर जी मैं भूल गया आपको, क्योंकि मैं आपको भूल गया इसलिए मैं इस संसार में आके गिरा हूँ, मैं आपको भूल गया, और क्योंकि मैं आपको भूल गया मुझे क्या हो रहा है, नाना विधा व्यथा, अलग 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 प्रकार के दुख मुझे मिल रहे हैं। अब मैं ये दुख भरी कहानी किसको सुनाऊँ, इसलिए मैं ये कहानी आपको सुनाने के लिए आया हूँ। कितनी सुंदर बात है, हमें भी दुख मिलते हैं। कोई यहाँ पे है जिसको कभी कोई दुख नहीं मिला? ऐसा कोई नहीं है, कोई ना कोई दुख मिलता है सबको। लेकिन दुख मिलने पर हमें ये नहीं समझ में आता है कि दुख का मूल कारण क्या है। इस दुनिया में हमें जो भी दुख है, दुख का मूल कारण है हम भगवान को भूल गए हैं, ये है दुख का कारण। कैसे टाइप के दुख हमें मिलते हैं देखिए संसार में, आदिदेविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये तीन प्रकार के दुख हमें संसार में मिलते हैं। एक दुख है जो हमें दूसरे जीव देते हैं, हमारे कुटुंब के लोग या कोई जानवर, पशु पक्षी, कोई भी जीव, मच्छर कीड़ा मकोड़ा जो भी है, कोई और जीव जब हमें दुख देता है। एक टाइप का दुख ये है जहाँ पे प्रकृति हमें दुख देती है, भूकंप है, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, साइक्लोन आ गया, प्रकृति हमें दुख देती है। और तीसरा टाइप का दुख है हमारा शरीर हमें दुख देता है, मानसिक रूप से दुख देता है, कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस दुनिया में आपका कोई भी दुख हो ये तीन कैटेगरी में ही आएगा। किसी का दुख है जो चौथा कोई नया कैटेगरी में आता है, ये तीन कैटेगरी है हमारे दुख के। तो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि ये तीन कैटेगरी के जो दुख है कहाँ से आ रहे हैं, ये दुख का मूल कारण क्या है, ये दुख का उत्पन्न होने का स्थान क्या है, ये दुख इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, ठाकुर जी मैं आपको भूल गया, मैं भूल गया आपको, मैं आपको भूल गया इसीलिए मैं संसार में आके फंस गया। हमारा जीवन तो ऐसा है जैसे कोई अमीर खानदान का कोई राजकुमार हो या कोई अमीर खानदान का कोई बेटा हो जो हेलीकॉप्टर चलाता हो, और हेलीकॉप्टर चलाते चलाते एक दिन हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया
और वो लड़का जाके कोई घाटी में गिर गया. घाटी समझते हैं, वैली, कोई वैली में जाके गिर गया. अब उसको जो है, जब वो गिर गया तो सिर पे मार लग गई, तो भूल गया कि उसके पिता का नाम क्या है, उसका घर कहाँ है, वो सब भूल गया. और भूलने के बाद वो क्या कर रहा है, वहाँ जंगलों में आदिवासी लोगों के साथ में घूम रहा है. आदिवासी लोग क्या खाते हैं, कंदमूल. वो कंदमूल खा रहा है, बाहर खुले में शौच कर रहा है, नदी में स्नान कर रहा है, बहुत कष्ट कर रहा है. अब उसको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पिताजी तो बहुत अमीर है, उसके तो अपने ही इतने सारे हेलीकॉप्टर पड़े हुए घर में. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो भूल गया. हमारा भी यही प्रॉब्लम है, हम भूल गए. हम कहाँ से आए, हम भूल गए. हमारे पिता कौन है, हम भूल गए. और यहाँ पे हम बिना मतलब के, बिना कारण के कष्ट कर रहे हैं. हमें कष्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम भूल गए. भूल के वजह से हम यहाँ पड़े हुए हैं. सो भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, आपके रचे हुए संसार में ठाकुर जी मैं भूल से आ गया, आपको भूल गया, इसलिए मैं यहाँ पहुँच गया. पे नाना विधा व्यथा, नाना प्रकार के दुख मैं पा रहा हूँ. इसलिए आप देखिए, कोई भी धार्मिक प्रतिक्रिया जब कुछ होता है, कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता है, तो अंत में बोलते हैं ओम शांति 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 ही, तीन बार बोलते हैं. क्यों तीन बार बोलते हैं, क्योंकि यही है तीन प्रॉब्लम, आध्यात्मिक, आदि देविक एंड आदि भौतिक, ये तीन प्रॉब्लम है. तो इसीलिए शांति शांति का स्मरण करते हैं कि ये आध्यात्मिक शांति, आदि भौतिक शांति, आदि देविक शांति, सब प्रकार से हमें शांति मिले. लेकिन शांति शांति बोलने से शांति मिल जाती है क्या? शांति शांति बोलने से तो शांति नहीं मिलती है. लेकिन फिर भी कम से कम हमें समझ में तो आया है कि शांति नहीं है. ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो ये भी नहीं समझते हैं कि दुनिया में शांति नहीं है. वो सोचते सब कुछ तो है, आनंद तो है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है. जब कोई थोड़ा सा पिया हुआ होता है, तब उसको ज्ञान होता है कि मैं पिया हुआ हूँ. वो किसी को बोलेगा कि मैंने आज थोड़ा ज़्यादा पी ली है, शायद मैं गाड़ी ना चला पाऊँ, मुझे आप ड्रॉप कर दीजिए. लेकिन जो बहुत ज़्यादा पी लेता है, उसको ये भी पता नहीं है, वो कहीं कोई गटर में, नाला में पड़ा रहेगा. और उसको जाके आप बोलो कि भैया तुम गटर में हो, नाला में हो, बोलेंगे नहीं मैं तो ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई प्रॉब्लम है, मैं तो ठीक हूँ. तो ये है बात. कम से कम ये जो लोग बोलते हैं ना शांति शांति शांति, कम से कम ये लोग जानते हैं कि इस दुनिया में तीन प्रकार के दुख है और इस दुखों से हमें शांति चाहिए. तो भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विधवे था तुम्हार चरणे आसिया चियमे. ठाकुर जी कम से कम भक्ति विनोद ठाकुर कितने सुंदर बात बता रहे हैं कि जब तुम्हें दुख मिलता है तो तुम्हें कहाँ जाना चाहिए. हमें जब दुख मिलता है तो हम हमारी पासबुक देखते हैं, बैंक अकाउंट देखते हैं, रिलेटिव्स देखते हैं, फ़ोन नंबर देखते हैं, कौन मदद करेगा. भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ बता रहे, जब ही दुख हो तुम्हारा एक ही एड्रेस है, श्री श्री राधा दामोदर भगवान, बस सीधा ठाकुर जी के पास जाओ. बोली वो दुखेर को था, मेरी दुख की कहानी मैं आज आपको सुनाने के लिए आया हूँ. ये भक्ति विनोद ठाकुर ठाकुर जी से बोलते, मेरी दुख की कहानी आप सुनिए, मेरे साथ क्या हुआ. एक भक्त की प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए. प्रार्थना के चार भाग है. जब हम भगवान को प्रार्थना करें, उसके चार भाग है. सबसे पहले हम जाके भगवान को माफ़ी मांगे, ठाकुर जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको भूल गया, आपको भूल के मैं यहाँ संसार में घूम रहा हूँ. एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, इतने जन्मों से इतनी सारी योनियों में मैं घूमता जा रहा हूँ. कभी सिंह बन रहा हूँ, तो कभी मगरमच्छ बन रहा हूँ, तो कभी हाथी बन रहा हूँ. मुझे माफ़ करिए, मैं भूल गया आपको. पहले तो भगवान से माफ़ी मांगो और फिर अपने आप की निंदा करो. मैं इतना पापी हूँ, इतनी बार आप मुझे स्मरण कराते हैं अलग अलग रूप में, आपके भक्तों के द्वारा, आपके पुस्तकों के द्वारा आप इतनी बार मुझे याद कराते हैं, फिर भी मैं आपसे दूर जाता हूँ. मैं एक पापी हूँ. अपने आप की निंदा, भगवान से माफ़ी और भगवान की गुणगान करना.
ठाकुर जी आपके सिवाय कौन है मेरा इस दुनिया में, कौन मेरी मदद कर पाएगा, मेरे दुख का निवारण कौन कर सकता है आपके सिवाय, कोई नहीं, आप ही है मेरे लिए। और ये सब हो जाने के बाद चौथा प्रोसेस है जहाँ पे आप भगवान को बोलेंगे अब मुझे ये चाहिए। क्या चाहिए? मुझे आप अपने पास ले जाइए, मुझे भगवत धाम आना है, मैं बहुत बहुत सारी बार बहुत जन्म जन्म तक घूमता रहा, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि भक्त लोगों को प्रार्थना करने में बहुत आलस आता है, यांत्रिक भाव से 16 माला कर लेते हैं, आरती में भी आ जाते हैं, लेकिन ये जो डीप प्रार्थना है उसमें हमें बहुत आलस आता है, हम मन से प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना करना मतलब याचना करना, याचना समझते हैं, बेगिंग। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए टू बेग फ्रॉम कृष्णा। हमारी प्रार्थना में वो डेप्थ नहीं है, हम याचना नहीं कर रहे, क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि इस दुनिया में दुख है, इसलिए हमारी याचना भी बहुत गंभीर नहीं है। अगर आप इमेजिन करिए, आप द्वारका नगर से कहीं जा रहे हो गाड़ी में और आपका गाड़ी का डोर कोई भिखारी खटखटाता है और बोलता है कि देखो मैं तीन दिन से तो इस्कॉन में फीस्ट खा रहा हूँ, आज के लिए कुछ पैसा दे दो, फिर से खा के आऊँगा। अब देंगे पैसा? जब वो बोलेगा मैं 3 दिन से भूखा हूँ तब आप इमीडिएटली पैसा निकालेंगे, लेकिन अगर वो बोलता है मैं 3 दिन से अच्छा से खाया हूँ आज भी दे दो खा के आ जाऊँगा। याचना करना है हमें, हमको याचना करना नहीं आता, हम भगवान से व्यापार करते हैं। जब भगवान के सामने हम खड़े रहते हैं हम व्यापारी बन जाते हैं, हम उनसे व्यापार करते हैं। ऐसे तो मेरे पास सब कुछ है, ये एक ही प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट कर दो, एक नारियल लाके फोड़ दूंगा। जैसे कि वो जो है वहाँ खड़े हैं उनकी बिल्कुल बुद्धि ही नहीं है, आपके बेचारे एक नारियल के लिए सब कुछ कर देंगे क्योंकि आप एक नारियल देंगे, वैकुंठ में नारियल की कमी है। हम व्यापारी बन जाते हैं, हमें व्यापारी नहीं बनना है, भगवान का प्रेमी बनना है। जब हम प्रेम से याचना करते हैं, मेरा कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में आपके सिवाय कोई नहीं है, भगवान आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा, हमें याचना करनी है। जब हम श्री श्री गौर निताय का दर्शन करें तब हमें बोलना चाहिए गौर निताय आपके संकीर्तन मिशन में मुझे भी एक पात्र दीजिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ। जब हम देखें नरसिंहदेव को हमें प्रार्थना करनी चाहिए, नरसिंहदेव हमें हमारी रक्षा करिए, हमारी भक्ति की रक्षा करे कि हम भक्ति में आगे बढ़े। हम जब दामोदर को देखें हमें प्रार्थना करनी चाहिए मुझे आपकी सेवा में नियुक्त करिए। जब हम राधा रानी को देखें हमें प्रार्थना करनी चाहिए राधा रानी मेरा रिकमेंडेशन दीजिए कृष्ण को। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोले थे एक प्रवचन में, प्रभुपाद जी ने बोला जब राधा रानी के सामने खड़े रहो तब राधा रानी को रिकमेंडेशन मांगो, राधा रानी से बोलो, प्रभुपाद जी इंग्लिश में बोले, राधा रानी से बोलो माई डियर राधा रानी कैन यू प्लीज टेल योर कृष्णा समथिंग अबाउट मी, मेरी प्रिय राधा रानी क्या आप अपने कृष्ण से मेरे बारे में कुछ बोलेंगे, कुछ रिकमेंडेशन करेंगे। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, राधा रानी से प्रार्थना करो, कृष्ण से प्रार्थना करो, गौर निताय से प्रार्थना करो, जगन्नाथ से याचना करो। या भक्ति विनोद ठाकुर कितना सुंदर बता रहे कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवाय कौन है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे ओनली दोस्त हो, इसीलिए मेरी दुख भरी जो कहानी है मैं आपको बता रहा हूँ, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया। चलिए एक बार फिर हम साथ में मिलके गाएंगे और दूसरे स्टैंजा में चले जाएंगे। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पेना ना विधा व्यथा, तुम्हार चरणे आसिया जिया मी बोलिबो दुखेर कथा, जननी जथरे छिला मजो खोना विषम बंधन पासे,
जननी जथरे छिला मजो खोना विषम बंधन पासे एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वांचिलो ए दीन दासे एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वांचिलो ए दीन दासे जननी जथरे छिला मजो खोना विषम बंधन पासे एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वांचिलो ए दीन दासे। यहाँ पे बहुत सुंदर बात भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जननी जथरे छिलम जो खोना। अब उस भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे अपनी कहानी शुरू की है, बोल रहे हैं कि मेरी कहानी कहाँ से शुरू होती है। ठाकुर जी ठीक से सुनिए, जब मैं माता के गर्भ में था तब से मेरी दुख भरी कहानी शुरू हुई है। दुख अभी से नहीं शुरू हुआ, दुख तभी से शुरू हुआ। क्यों तभी से दुख क्यों है? आपको पता है माता के गर्भ में जब शिशु होता है उसे कितनी तकलीफ मिलती है। बाहर के भौतिक लोगों को पता नहीं है, वो सोचते हैं कि माता के गर्भ में शिशु आनंद करता है, लेकिन ये सच नहीं है। माता के गर्भ में शिशु बहुत सफ़र करता है। कभी कभी रियल एस्टेट वाले जब कोई अपार्टमेंट सेल करते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि हमारा अपार्टमेंट ले लो, एकदम माता के गर्भ जैसा कंफर्टेबल है। लेकिन ऐसा एडवर्टाइजमेंट के बाद तो भक्तों लोग तो बिल्कुल नहीं लेंगे वो अपार्टमेंट, क्योंकि उनको तो पता है कि माता के गर्भ में तो बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद में 31st चैप्टर पढ़ो, कपिल मुनि उधर बताते हैं कि माता के गर्भ में क्या होता है। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? 3rd कैंटो पढ़ा है, उसमें 31st चैप्टर पढ़ा है। पढ़ने से आपका रोंगटे खड़े हो जाएगा, इतना डर लगेगा। ऐसा होता है क्या? माता का गर्भ अंधेरा होता है, वहाँ पे मलमूत्र में आप रहते हो, और मलमूत्र के वजह से वहाँ क्या है, मलमूत्र के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स, बहुत सारे कीड़े मकोड़े बन जाते हैं उधर, और वो आपको काटते रहते हैं। और उस मोमेंट में आप रोते हो अंदर में, भगवान से प्रार्थना करते हो, और नहीं आऊँगा कभी इस जगत में, गलती हो गया, बहुत भूल हो गई, इस बार नहीं भूलूँगा आपको, ये बार इस बार माफ़ कर दो, बस ये एक बार माफ़ कर दो। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, इमेजिन आपको कोई छोटे से कमरे में अंधेरा करके कोई डाल दे तो भी आप एक घंटे के बाद व्याकुल हो जाओगे। इतनी सी जगह में जहाँ आपका सिर और पैर एकदम जो है बान जैसा, आपको इतने छोटे से जगह में रहना पड़ता है। लोग सोचते हैं बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि साइंस में बताते हैं एमिनिटो लिक्विड होता है, वो एमिनिटो लिक्विड बहुत ज़्यादा शॉक अब्जर्वर जैसा होता है, शायद उसको कंफर्टेबल होता होगा, लेकिन अंदर में वो सफ़र करता है जीव, और वो जीव प्रार्थना करता है भगवान से, बस इस बार और कभी नहीं करूँगा गलती, इस बार माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझ पे दया करो। और वो छोटे छोटे कीड़े उनको काटते हैं और शिशु रोता है अंदर में। यहाँ पे बोल रहे जननी जथ, ये बात ज़रूर सच होगी, क्योंकि हर एक वैष्णव आचार्य, हर एक भक्त, हर एक संप्रदाय में माता के गर्भ के बारे में यही बोला गया है। सबको डर लगता है माता के गर्भ में, नहीं और एक बार गर्भ में प्रवेश नहीं करना है, और एक बार किसी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना है। शंकराचार्य के भज गोविंद स्तोत्र में गाते हैं ना, क्या बोलते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जथरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया मुरारे पाहि मुरारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, नहीं और नहीं आना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म लेना, फिर से मरना, फिर से किसी माता के गर्भ में जाना, नहीं 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 चाहिए। यह संसारे खलु दस्तारे, ठाकुर जी कृपया मुरारे, अब इस बार कृपया हमको पार कर दीजिए, पार करिए, अब और हम नहीं जाना चाहते माता के गर्भ में।
अगर माता के गर्भ में सच में आनंद होता तो इतना बार सब लोग क्यों बोलते हैं कि माता के गर्भ में नहीं जाना है? कुछ तो प्रॉब्लम है उसके अंदर में, वहाँ जाने से कुछ तो प्रॉब्लम होता होगा। यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर बोलते, जननी जननी जथरे छिलम जोखोना, मेरी दुख भरी कहानी सुनिए ठाकुर जी। मैं जब माता के गर्भ में था, भीषम बंधन पासे, पूरा बंधन है माता के साथ जो अम्बिलिकल कॉर्ड टाई किया हुआ है, एक बार प्रभु देखा दिया तुम्हें। लेकिन उस समय भगवान आप एक बार आए जस्ट थोड़ा टाइम के लिए और आपने मुझे दर्शन दिया। अब मैं एक बात बता दूँ आपके क्लैरिफिकेशन के लिए, हर बार माता के गर्भ में भगवान आके शिशु को दर्शन नहीं देते हैं। ये तो कोई परीक्षित महाराज जैसा कोई भक्त हो या भक्ति विनोद ठाकुर जैसा कोई भक्त हो तो ठाकुर जी गर्भ के भीतर आके दर्शन देते हैं, मुझे और आपको नहीं मिलते हैं गर्भ में दर्शन। इसलिए गर्भ में दर्शन तो नहीं मिलते हैं, लेकिन गर्भ में हर शिशु भगवान के लिए प्रार्थना करता है, हर शिशु, क्योंकि उधर माया नहीं है ना। तो अंदर में उसका क्लैरिटी है कि नहीं नहीं मुझे भगवान की प्रार्थना करनी है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे कि आप मुझे दर्शन दिए थे, बोल रहे हैं ना कि एक बार प्रभु आप आए थे उस सफरिंग में। एक्चुअली जब एक शिशु माँ के गर्भ में होता है तब वो शिशु बहुत सफ़र करता है। इसीलिए पुराने ज़माने में, मैं बोलूँगी ये वर्ड पुराने ज़माने में, अब तो कोई नहीं फॉलो करता है, कि गर्भवती स्त्री जो होती थी वो हमेशा भगवान का नाम, गर्भवती स्त्री को क्यों बोलते थे कुछ काम नहीं करना, उसको बोलते थे तुम बैठो भगवान का नाम लो, भागवत सुनो, भगवत गीता सुनो। क्यों क्यों सुनना चाहिए भागवत भगवत गीता? क्योंकि अंदर में जो शिशु है वो रो रहा है, वो सफ़र हो रहा है। कम से कम अब जब आप भगवान का नाम लेते हो, वो शिशु सुनता है नाम, तो उसको शांति मिलती है, उसको जो व्यथा हो रही है ना उससे उसको शांति मिलती है। लेकिन आजकल की माताएं अपने पति को क्या बोलती है, आइनॉक्स लेके जाओ, माइंड थोड़ा चेंज हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएंगे, वहाँ पे फाइटिंग देखेंगे, मूवी देखेंगे, अंदर में जीव रो रहा है, खट्टा खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, जो भी है वो कितना तकलीफ होता है उस शिशु को। माता जो जो करती है उसका प्रभाव शिशु के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि ऐसे सिचुएशन में जब मैं रो रहा था अंदर में, तब आप आए और फिर चले गए। और फिर नेक्स्ट लाइन में भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि ये क्या बात हुई, आप आके चले क्यों गए, ये सही नहीं है। वांछिला वांछिला ये दीन दासे, ये तो गलत बात है, आप आके चले क्यों गए, अगर आप रुक जाते तो अच्छा होता। अब ये क्वेश्चन हमें भी आ सकता है माइंड में कि जब गर्भ में शिशु भगवान को याद कर रहा है तो फिर वहाँ से सीधा भगवत धाम जा सकता है ना, फिर क्यों जन्म लेना? श्याम सिद्धर प्रभु, ये क्वेश्चन आया आपके माइंड में कि वहाँ तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ कोई जॉब नहीं है, पूरा दिन जो है वो शिशु भगवान का नाम ले रहा है, तो फिर भगवान उसको इमीडिएटली वहाँ से गोलोक ले जा सकते, फिर से क्यों जन्म ले रहा है? तो उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि कभी कभी हम जब भगवान की शरणागति लेते हैं तो वो शरणागति इतनी मैच्योर नहीं होती। वो शरणागति हम इसीलिए लिए है क्योंकि हमारा जो सर्कमस्टेंस, हमारी जो परिस्थिति है वो ऐसी है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। समझ में आ रही है बात? हम कभी कभी भगवान की शरणागति इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है, उनके सिवाय और कोई सोल्यूशन नहीं है। भगवान को ऐसी वाली शरणागति नहीं चाहिए हमसे, वो तो आपको चॉइस देंगे, उसके बाद अगर आप बोलो नहीं नहीं मुझे वो नहीं मुझे आप चाहिए, तब भगवान बोलते ये ठीक है, ये शरणागति ठीक है। हमारे पास चॉइस ही नहीं है इसीलिए भगवान का शरणागति ले लेंगे, तो फायदा क्या है? वहाँ आप इमेजिन करिए एक शिशु की हालत क्या है, ऐसे भी हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, कोई है नहीं, एक ही चारा है भगवान का नाम लो और शरणागति लो, तो लाभ क्या है? भगवान पहले उसे बाहर निकालेंगे, सारे सौकर्य सब फैसिलिटी देंगे, सब कंफर्ट देंगे, फिर पूछेंगे अब बोलो तुम कहाँ जाओगे। तब अगर हम बोले नहीं मुझे भगवान चाहिए, तो वो सही सरेंडर है, मैच्योर सरेंडर है। बोलते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए।
जब इंसान दुखी है तो भगवान को याद करेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब इंसान सुखी है, उसके पास सब कुछ है, उसे कुछ नहीं चाहिए, तभी भी वो भगवान को याद करता है तो वो अच्छा भक्त है। हमारा सरेंडर बहुत कंडीशनल है, शर्तों के साथ है। एक आदमी रास्ते पे जा रहा था तो देखा रास्ते पे बहुत बड़ा नारियल का झाड़ था, उस पे बहुत सारे नारियल लगे हुए थे। तो उसने सोचा कि चलो बहुत सारे नारियल है, चलो मैं लूँगा, बेचूँगा, पैसा कमाऊँगा। तो चढ़ गया नारियल के झाड़ के ऊपर। जब आधा रास्ता चढ़ गया तब उसको डर लगने लगा कि तो बहुत ज़्यादा ऊँचा आ गया, कहीं मैं गिर गया तो लेने का देना पड़ जाएगा, मेरे पैर टूट गए तो मैं और भी कोई काम के लायक नहीं रहूँगा, ये तो क्या हो गया, 50 नारियल से क्या होगा, मेरा जीवन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने तो गलती कर दिया, मैं ऊपर चढ़ा ही क्यों। और फिर वो ऊपर की ओर काउंट करने लगा कितने नारियल हैं, तो देखा कि ऊपर में 100 नारियल थे। तो उसने मन में सोचा कि देखो मैं भगवान से जो है बिजनेस डील करता हूँ, अगर ये 100 नारियल लेके मैं नीचे एकदम आराम से उतर गया तो 50 भगवान के 50 मेरे, डील बना लिया। ऊपर तक चढ़ गया, विश्वास था कि भगवान पक्का रक्षा करेंगे क्योंकि मैंने बोला ना 50 नारियल दूंगा, अब नारियल तो वैकुंठ में होते नहीं। तो 50 नारियल, तो अब जब चढ़ गया 100 नारियल ले लिए और तब नीचे आने लगा, तब उसके मन में बात आई कि नारियल तो मैंने देखा, झाड़ के ऊपर तो मैं चढ़ा, कष्ट तो मैंने किया, इसमें भगवान ने क्या किया, कुछ भी नहीं, तो 50 नारियल क्यों दूँ, 25 दूंगा। फिर थोड़ा और नीचे आया, देखा अब तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो बोला कि मैंने सोचा, मैंने किया, 25 नारियल भगवान क्या करेंगे, उतना उनको ज़रूरत नहीं है, मैं तो भगवान को सिर्फ 10 नारियल दूंगा। और जैसे उसने बोला कि भगवान को 10 नारियल देगा, एकदम हवा का झोंका आया और वो नारियल का झाड़ हिलने लगा, इसको डर लगा कि शायद मैं गिर जाऊँ, मैं मर जाऊँ। फिर इमीडिएटली उसने आकाश की ओर देख के भगवान के ऊपर चिल्लाया, बोला अरे यार जोक समझा करो, मैं पक्का 50 ही दूंगा, सिर्फ जोक कर रहा था, मेरे को बचा दो, सिर्फ मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। ये क्या हुआ सरेंडर, परिस्थितियों के साथ भगवान का शरण लेना। देना तो एक भी नारियल नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि देना पड़ेगा। हमें देना तो कुछ नहीं है भगवान को, हमारी इच्छा ही नहीं है भगवान को, ना हम हमारा पैसा देना चाहते, ना हमारा मन, ना हमारा शरीर, ना हमारा जीवन, हम नहीं देना चाहते। लेकिन कभी कभी घर के लोग ही हमें घर से निकाल देते हैं कि भैया तुम बूढ़े हो गए हो, कोई काम के नहीं हो, तुम जाओ मंदिर में बैठ के चरणामृत दो, तब हम आ जाते भगवान के पास। तो भगवान ऐसा शरणागति नहीं चाहते, वो तो मैच्योर शरणागति चाहते हैं, जहाँ पे तुम उनको सेलेक्ट करो बाय चॉइस, नॉट बाय फोर्स। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि ठाकुर जी आप आए, मुझे दिखाई दिए और आप फिर चले गए, तो जानबूझ के भगवान चले गए कि भैया तुम जब बाहर आओगे, बाहर आने के बाद भी अगर तुम मुझे सेलेक्ट करोगे तो तुम्हारी भक्ति दृढ़ रहेगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट स्टैंजा, तो खो न भावीनु जन्म पाइया कोरिबो भजन तवा, जन्म होइलो पड़ी माया जाले न होइलो ज्ञान लावा, तो खो न भावीनु जन्म पाइया कोरिबो भजन तवा, जन्म होइलो पड़ी माया जाले ना होइलो ज्ञान लावा। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जब आपको मैंने अंदर में देखा, गर्भ के अंदर में, तब मैंने सोचा कि यहाँ तो मुझे मुश्किल हो रही है, इसलिए मैं आपका ठीक से जो है प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तोखोनो भाविनो, तब मैंने सोचा जन्म पाइया, जब मेरा जन्म हो जाएगा, ये जो अंधकार में मैं हूँ, वहाँ से जब मैं बाहर निकल जाऊँगा, कोरिबो भजन तवा, पक्का तुम्हारा भजन करूँगा, इस बार मैं नहीं भूलूँगा। जन्म हो या पड़ी माया जाले, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ, जैसे मैं माता के गर्भ से बाहर निकला, सीधा माया ने मुझे पकड़ लिया,
माया का जाल मेरे पे डाल दिया, ना होई लो ज्ञान अलावा, कोई ज्ञान मुझ में नहीं आया, मैं सब कुछ फिर से भूल गया, आपको जो प्रॉमिस दिया था अंदर में सब कुछ मैं भूल गया। माया की शक्ति दो प्रकार की होती है, एक है आवरणात्मक शक्ति। आवरणात्मक शक्ति मतलब माया हमारे ऊपर में एक आवरण डाल देती है, हम सब भूल जाते हैं, आवरणात्मक शक्ति। यस, प्रयक्षपात्मक शक्ति, आवरणात्मक शक्ति एंड प्रयक्षपात्मक शक्ति। तो ये प्रयक्षपात्मक शक्ति हमें उसकी ओर आकर्षण करती है। इसका सिंपल एग्जाम्पल है, सपोज आप कोई सिनेमा थिएटर में जाते हो मूवी देखने के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे सिनेमा थिएटर में, लाइट्स ऑफ कर देंगे, आपको अंधकार में डाल देंगे। लाइट्स ऑफ करना मतलब क्या है, जो वास्तविक जगत है, रियलिटी है, पहले उससे आपको कट ऑफ कर देंगे, आप एकदम एक ब्रह्म में आ गए, आपको अभी रियल लाइफ रियलिटी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह है आवरणात्मक शक्ति, आपको अंधकार में डाल दिया, आपको रियलिटी से कट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, खुलेगा सिनेमा, उसमें आप देखोगे हीरो मर रहा है, जी रहा है, मार रहा है, खा रहा है, सो रहा है, पी रहा है, और फिर आप क्या करने लगोगे, धीरे धीरे उसके साथ आप अपना कनेक्शन बना लोगे। इसलिए हम देखते बहुत बार कुछ माताएं हीरो को अगर मार लगती है तो वो भी रोती है, हीरोइन को मार लगती है तो भी रोती है, उसको पता है कि ये सच नहीं है जो सिनेमा हो रहा है, लेकिन फिर भी रोना आता है। आप में से कितनों को ऐसा रोना आ जाता है, हाँ देखा, ये है माया का शक्ति, प्रयपात्मिक शक्ति, माया की शक्ति। ये क्या कर रही है, माया को आप उससे रिलेट करने लगे हो, आप सोचने लगते हो कि वो मेरे साथ हो रहा है, मुझे मार रहे हैं, मुझे दे रहे हैं। जब हीरोइन खुशी होती है तो आप खुश हो जाते हो, वो दुख होते तो आप दुखी हो जाते हो, ये माया की शक्ति है। सेम थिंग हमारे साथ होता है, जब हम अंदर के गर्भ में थे तब हमें पता था मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे ये शरीर में डाला गया है, लेकिन जैसे शरीर माता के शरीर से बाहर आते हैं वैसे हमारी आत्मा ऐसा सोचते हैं कि मैं ये शिशु हूँ, मैं हूँ ये शिशु, वो मेरे साथ ये लोग खेल रहे हैं, अच्छा मुझे चॉकलेट दे रहे हैं, अच्छा अच्छा मुझे मेरे को दूध पिला रहे हैं, मेरे को ये हो रहा है। अब वो भूल जाता है कि वो आत्म से शरीर से वो भिन्न है, जैसे आप भूल जाते हो सिनेमा थिएटर में कि मैं उस हीरो से भिन्न हूँ, मेरे साथ कोई कंसर्न नहीं है उसका, उसी तरह से हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर के, सब मुझे पहले याद था लेकिन जैसे मैं बाहर में आया क्या हो गया, माया का जाल मेरे ऊपर बिछा दिया गया, मैं सब कुछ भूल गया। आगे आगे सुनते हैं उनकी हमारी कहानी जो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं। आदरे र छेले स्वजने र कोले हसिया काटानु काला, जनक जाननी स्नेहे ते भूलिया संसार लागिलो भालो। आदरेर छेले स्वजनेर कोले हसिया काटानु काल, जनक जाननी स्नेहे ते भूलिया संसार लागिलो भालो। इस कहानी को आगे बता रहे हैं, पहले माता के गर्भ में थे, फिर उससे बाहर आए, माया का आवरण शक्ति उन्हें कवर कर लिया, उसके बाद क्या हुआ। आदरेर छेले, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं सब लोग, मैं बाहर आ गया, सब मुझे गोदी में बिठा रहे हैं, मेरे लिए नए नए कपड़े, खाना, कितना स्वजनेर, मेरे अपने लोग मुझे स्वजन इतना प्यार करे, हसिया काटानु काला, आनंद आ रहा है, हंसी मजाक में दिन कट रहा है। जनक जननी स्नेहते भूलिया, माँ और पिता इतना स्नेह दे रहे हैं कि उनके स्नेह में मैं भूल गया, और संसार लागिलो भालो, अब मुझे संसार अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा है, अभी सब भूल गए अंदर माता के गर्भ में क्या हुआ था, अब अच्छा लग रहा है संसार, सब कुछ तो अच्छा है, इतनी अच्छी माँ है, इतने अच्छे पिता है, सब कुछ तो है, अब अच्छा लग रहा है। यहाँ पे समझने वाली एक बहुत सुंदर पॉइंट ये है, क्योंकि हम तो आ चुके हैं ऑलरेडी माता के गर्भ में, लेकिन हमारे गर्भ में जो शिशु आ रहे हैं, आने वाले हैं, जो आ गए हैं संसार में, अब माता पिता
का कर्तव्य ये होना चाहिए, मतलब हम सबका कर्तव्य ये होना चाहिए कि जिन शिशु को हम जन्म दे चुके हैं, अब तो हमको कहानी समझ में आ रही है, हमें देखना चाहिए कि हम उनको भक्ति जीवन में लेके आए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस दुनिया में दो टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, एक तो ये रिलेशनशिप है जो हमारा और भगवान का है, सीधा जाता है भगवान ऊपर और हम नीचे, और एक रिलेशनशिप है हमारा और हमारे साथ में जो है हमारे परिवारजन। अब हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारा फोकस तो ऊपर की ओर होना चाहिए, लेकिन हमारे आसपास में जो है वो उन सबका हाथ लेके हमें ऊपर की ओर जाना है, ये हमारा कर्तव्य है, माँ बाप मतलब ये हमारा कर्तव्य है। प्यार दो प्रकार के होते हैं, एक प्यार ये है जो मदद करता है, एक प्यार ये है जो हर चीज़ छुपाता है। छुपाना मतलब कई माँ बाप मैं देखती हूँ उनका माइंड में ऐसा है, हम भक्त बनेंगे, हम एकादशी का उपवास करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन बच्चे नहीं, छोड़ दो उनको, छोड़ दो बेचारे, वो कहाँ करेंगे एकादशी का उपवास, कैसे करेंगे, बहुत छोटे हैं, हम नहीं खाएंगे प्याज लहसुन, हम नहीं पियेंगे चाय कॉफ़ी, उनको छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, कोई बात नहीं, बेचारे वो कैसे बिना प्याज लहसुन के कैसे होगा, उनको टेस्ट नहीं आएगा। अब ऐसा टाइप के माँ बाप होते हैं जो हमेशा सोचते हैं मेरे जीवन में मुझे जो भी दुख मिला मेरे बच्चों को वो दुख नहीं मिलना चाहिए, उनको बेस्ट स्कूल, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट कपड़े, बेस्ट गहने, बेस्ट सब कुछ मैं दे दूँ। ये एक वैरायटी ऑफ पेरेंट्स है। दूसरे वैरायटी ऑफ पेरेंट्स ये है कि भाई सच्चाई तो उनको बतानी पड़ेगी ना, वो कितना भी मैं उनको सब कुछ दे दूँ उनको भी बूढ़ा होना पड़ेगा, उनको भी रोग होगा, उनको भी मरना पड़ेगा और फिर से जन्म लेना पड़ेगा, तो मैं बाहरी रूप से उनको सब कुछ दे रही हूँ लेकिन आंतरिक रूप से जो उनकी आत्मा को ज़रूरत है वो तो मैं नहीं दे रही हूँ, तो वो भी देना है ना, वो भी देना है ना। तो जो माँ बाप ये नहीं दे रहे हैं उसका मतलब उनको समझ में ही नहीं आया भक्ति क्या है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, वो सोच रहे मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं करूँगा जो भी मेरे को ऑस्टेरिटी करना, बच्चों को नहीं, उनको रहने दो, क्या होगा, फ़ायदा क्या है, आगे चल के जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो बचपन से सिखाया ही नहीं, अब उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा प्याज लहसुन छोड़ना, कितना मुश्किल हो जाएगा चाय कॉफ़ी छोड़ना, कितना मुश्किल हो जाएगा मांसाहार छोड़ना, और फिर जब आप बूढ़े हो जाओगे 55-60 साल के और फिर आप देखोगे आपके बच्चे 30-40 साल के अभी भी मांसाहार कर रहे हो, फिर आप उनको प्रवचन दोगे अभी छोड़ दो, अभी मत करो, फिर वो आपकी बात सुनेंगे, अब हो गया, जब समय था तब तो आपने कुछ किया नहीं, आपने सोचा मैं अच्छा कर रहा हूँ ना, उनको जाने दो, बेचारे छोटे हैं, क्या छोटे हैं, प्याज लहसुन खा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, आप सीखो खाना बनाना और अच्छा बनाओ, क्योंकि आपको नहीं आता, आप सोचता वो टेस्ट बेचारा मिस हो जाए, उसको खाने दो, उसको करने दो, आप माता है या दुश्मन है उसके, अगर वही आपने बचपन से उसको सिखाओ, देखो बेटा ये है जीवन का सत्य, ये हम सीख लिए है, हम दीक्षा लिए हैं, हम सीख लिए हैं, ये है जीवन का सत्य, अभी से तुमको भी मैं वो सिखाना चाहता हूँ, ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, शायद शुरुआत में बच्चों को बुरा लगे, शायद आप पसंद ना आओ कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं, लेकिन फिर समझ जाएंगे, बचपन से ये ट्रेनिंग देनी, बचपन से कितने भी छोटे हो, 4 साल 5 साल 6 साल, ये हमारा कल्चर है, हम ये खाते हैं, ये हमारा डाइट है, जिस तरह से सिंह जो है दूसरे पशु को खाता है, जिस तरह से गाय घास खाती है, उस तरह से हम ये खाते हैं, ये हमारा भोजन है, हमें ये ही खाना है, बस हो गया। हमारा प्रॉब्लम ये है, जिस तरह से दो वृक्ष थे एक गार्डन में, दो वृक्ष थे, एक वृक्ष को बहुत ज़्यादा पानी डालते थे और एक वृक्ष को पानी कभी डालते नहीं थे, कभी 2 दिन डाला तो 2 दिन भूल गए, जब बाढ़ आई, साइक्लोन आया, तब जो झाड़ को कभी 2 दिन पानी डालते थे कभी पानी नहीं डालते थे वो झाड़ बच गया, और जिस झाड़ में रोज़ पानी डालते थे वो उखड़ गया जड़ से, तो सबको आश्चर्य हो गया, ये कैसे हो गया, इसको तो रोज़ पानी डालते थे, इसको तो टिकना चाहिए था। तब जो किसान है उसने बहुत अच्छी बात बताई, बोली कि क्योंकि इसको रोज पानी मिलता था, इसके जो जड़ है वो कभी नीचे गए ही नहीं, वो ऊपर ऊपर ही रह गए, क्योंकि पानी तो ऊपर में मिल जाता था,
और ये जो झाड़ है, क्योंकि इसको पानी नहीं मिलता था, कभी मिलता तो कभी नहीं मिलता, तो ये जो जड़ है वो नीचे चले गए और अपने लिए पानी खोज रहे थे। क्योंकि वो अपने लिए पानी खोज रहे थे तो उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। ये है माँ बाप का धर्म। नहीं, मेरे बच्चे छोटे नहीं नहीं कर पाएंगे, नहीं, मजबूत बनाना है, क्योंकि हम उनके वेल विशर है ना, हम जानते हैं ना, आज जो ये अंडा खा लेंगे, ये जो मांस खा लेंगे, उसके लिए कितने कर्म, कितना सफ़र करेंगे वो लोग। आप सच में माँ, ये तो ऐसी बात हो गई ना, जैसे कि कोई डॉक्टर है और जानता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, लेकिन वो पेशेंट को बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, तुम गुलाब जामुन खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, रोज़ रसमलाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन रोज़ खाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है, प्यार करता है ना, डायबिटीज़ होने के बावजूद भी उसको स्वीट्स दे रहा है। क्या आपको चाहिए ऐसा डॉक्टर? नहीं चाहिए। उसको सख्त बोलना पड़ेगा डॉक्टर को कि मैं प्यार करता हूँ, लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं खाने दूंगा, आपको तो यही खाना पड़ेगा। ये है माँ बाप का रोल। प्यार करती हूँ, आपको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं खाने दूंगी, इससे आपके कर्म बढ़ रहे हैं, आपको आगे चल के सफ़र करना पड़ेगा, और क्योंकि मैं आपको प्यार करती हूँ, मैं आपको सफ़र होता हुआ नहीं देख पाऊँगी, इसलिए अभी से ये हमारे घर का रूल है, ये आपको फॉलो करना है। नहीं मम्मा, हमारे दोस्त ये बोले, कोई कुछ भी बोले, मैं नहीं चाहता तुम आगे चल के सफ़र हो। अभी बुरा देखिए, दुनिया में दो टाइप के मार्ग है। एक मार्ग है जो पहले बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाद में विष समान है, और एक मार्ग है जो पहले बहुत कठिन लगता है लेकिन बाद में जब पहुंच जाओगे तब आनंद ही आनंद है। हमें ये मार्ग सेलेक्ट करना है। पहले मुश्किल तो लगेगा, फिर भी हम जो है उसी मार्ग को चुनना है। तो माँ बाप का ये रोल है, स्ट्रिक्ट रहना है, सारे नियमों का पालन बच्चों से अभी से करवाना है, अगर आप अपने बच्चों को प्यार करते हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, स्वजन, मेरे स्वजन के साथ में हंसी खुशी मेरा दिन चला गया, पता नहीं चला। नेक्स्ट, क्रमे दिन दिन बालक होइया, खेलिनो बालक सा, आर किछु दिन ज्ञान उपाजिलो, पाठ पढ़िया। क्रमे दिन दिन बालक होइया, खेलिनो बालक सा, आर किछु दिन न उपाजिलो, पाठ पढ़िया। अभी ये कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्रमे दिने दिन थोड़ा समय और बड़ा हो गया, अब मैं खेलता हूँ दूसरे दोस्तों के साथ में, दूसरे फ्रेंड्स के साथ में, और अब थोड़े दिन के बाद स्कूल जाने लगा, कॉलेज जाने लगा, ज्ञान उपाजिलो, बहुत ज़्यादा ज्ञान संपादन किया मैंने, पाठ पढ़ी, और ज़्यादा मैं जो है पढ़ाई में आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो आप स्टोरी देख रहे हो, स्टोरी के अंदर में जो रियल स्टोरी भक्ति विनोद ठाकुर बताना चाह रहे हैं कि जो बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है, सफलता लग रही है, अंदर में असफलता का ये है, असफलता की कहानी है कि मैं भूल जा रहा हूँ, मैं अपने डे टू डे लाइफ में इतना बिजी हो गया कि एक्चुअल गोल ऑफ लाइफ में भूल गया। एक्चुअल गोल ऑफ लाइफ ये है खेलना, कूदना, पढ़ना। ये तो ऐसी बात हो गई ना कि कोई लड़का इंजीनियरिंग पढ़ने गया, आईआईटी मुंबई में उसका सिलेक्शन हो गया, और वहाँ जाने के बाद में वो फ्रेंड्स को बोलने लगा कि मेरा तो आईआईटी में आने का एक ही लक्ष्य है, अच्छा खाना खाना, मैं अच्छा खाना खाना चाहता हूँ, यहाँ पे अच्छा कैंटीन कौन सा है, अच्छा खाऊँगा मैं, यहाँ नहीं है तो वहाँ, वहाँ नहीं है तो यहाँ मैं ढूँढूँगा। अरे भाई, तुम आईआईटी में आए हो, तुम तुम्हारी पढ़ाई करो, तुमको अच्छा जॉब वो सब छोड़ो, अच्छा खाना कहाँ मिलता है, खाना, अच्छा खाना खाऊँगा। यही हमारी सिचुएशन है, मैं अच्छा से पढ़ाई करूँगा, अच्छा जॉब मिलेगा, मेरा परिवार खुश रहेगा। मैं भाई, ये तो तुम कोई और योनि में भी कर सकते थे, तुमको मानव योनि में जन्म लेने की ज़रूरत नहीं थी। तुम अगर ये सब ही करना चाहते हो तो कीड़ मकोड़ा वो भी अपने परिवार को अच्छा से देखता है, वो भी सब करता है, तुमको इतना कष्ट करके मानव योनि में जन्म लेने की क्या ज़रूरत थी। तो ये बात भक्ति विनोद ठाकुर
एक सफलता की स्टोरी में असफलता क्या है हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, कि ये हमारे जीवन का गोल नहीं है, खेलना, पढ़ाई करना। उसके बाद का लाइन में जाते हैं, विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी स्वजन पालन करी एक मने भूलिनो तुमारे हरी विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी स्वजन पालन करी एक मने भूलिनो तुमार हरी। अभी क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमारी कहानी में आगे हो रहा है कि और पढ़ाई की, अलग अलग देशों में घूम रहे हैं, कभी यहाँ तो कभी वो देश में, धन उपार्जन बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा लिया, स्वजन पालन मेरा कुटुंब को मैं कैसे अच्छे से देखूं, वही है एक मन में, और कोई गोल ऑफ लाइफ बस यही है, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी FDs, मेरे लैंड, मेरा प्रॉपर्टी, बस यही उसका अब उद्देश्य है, और कोई उसका उद्देश्य नहीं है। तो बोल रहे हैं कि इसमें वो बिजी हो गया। हाँ, इस सुनने से लगता है ना कि हमारे जीवन की कहानी वन बाय वन एकदम हमारी स्टोरी बता रहे हैं कि ऐसे ही हमारी स्टोरी शुरू हुई माता के गर्भ से, और कैसे कैसे हम भूलते 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 बस ऐसे ही हमारा लाइफ चला जा रहा है। विद्या रे गौरव, सब लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें भी अभिमान आ गया है, PhD वेट जो वो XYZS सब आ गया हमारे, और हम पैसा भी कमा रहे हैं, और लेकिन सबका गोल क्या है, मेरा स्वजन, मेरे लोगों को देखना, बस करी एक मने वन माइंडेड फोकस मेरा फैमिली। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि आप पैसा मत कमाओ, बिजनेस मत करो, लेकिन उस सबके पीछे का कारण क्या होना चाहिए, पीछे का कारण ये नहीं होना चाहिए कि मेरा परिवार, सक्सेस होने में कोई गलत नहीं है, लेकिन वो सक्सेस अगर आप भगवान की सेवा में यूज़ करो, आप पढ़ाई करो उसमें गलत नहीं है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद फिर उससे चैतन्य चरितामृत पढ़ो, वो जो आपने भाषा सीखी है उससे आप भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, पर हम कई और दिशा में चले जा रहे हैं। तो अभी शंकराचार्य का जो भज गोविंदम है उसमें एक स्टैंजा आता है, बाल्यावस्था क्रीड़ा शक्तम, तरुणी अवस्था तरुणी शक्तम, वृद्धावस्था चिंता मग्नम। जब बच्चे हैं तब खेल में बिजी, अवश्य ऑफकोर्स आजकल का उल्टा है, बाल अवस्था भी चिंता मग्नम हो जा रहे हैं, बच्चे लोग को इतना पढ़ाई का टेंशन हो जा रहा है, तो बाल अवस्था चिंता मग्नम है, खेल में बिजी है, तरुणी अवस्था तरुणी सक्तम, जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, हार्मोन्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, ये स्त्री है ये पुरुष है, सारे भेदभाव आकर्षण आरंभ हो जाते हैं। वृद्ध अवस्था चिंता मग्नम, ये बेटा बात नहीं सुन रहा है, वो बात नहीं सुन रहा है, ये नहीं काम हो रहा है, चिंता में। पर ब्रह्मनि कोपि न सक्तम, कब होंगे, कब हम भगवान से कनेक्ट होंगे, पूरा जीवन तो ऐसे ही चला जा रहा है। मैं एक बार देख रही थी नेट में, बहुत इंटरेस्टिंग एक एनालाइजेशन दिया था कि एक 75 ईयर ओल्ड मैन, अगर आप 75 ईयर्स की जीवन जीते हो तो उसमें से आप 25 साल तो सोते ही हो, 25 ईयर्स तो आप सो जाते हो, आप कैलकुलेट करके देखो, 12 घंटे आप रात को सोते हो, समझो 9-10 बजे, फिर उठते हो सुबह 4:30-5:30 जो भी है, 6-7 घंटा तो आप एवरी 24 आवर्स में 7 घंटा सोते हो, 1-2 घंटा आपका ब्रश और नहाने में, 1-2 घंटा खाने में, 1-2 घंटा ट्रैवलिंग में, बचा कितना है आपकी 75 ईयर्स या 50 ईयर्स या 60 ईयर्स लाइफ में, एक्चुअली कितना टाइम आप भगवान के लिए यूज़ करते हो, एक बार कैलकुलेट करके देखो, अपना अपना एज कैलकुलेट करके, आज रात को ये एक्सरसाइज करो, होमवर्क, अपना एज एक बार लिखो पेपर में, काउंट करो टोटल आवर्स कितना आपका चला जाता है सोने में, खाने में, बच्चों के पीछे, होमवर्क में, फ़ोन कॉल्स में, व्हाट्सअप्स में, बाकी कितना बचा जो आप भगवान के लिए देते हो, बहुत कम। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर यही बोल रहे हैं कि मेरा बस एक ही माइंड, मेरा परिवार, और कुछ भी माइंड में नहीं है। लास्ट श्लोक, बर्दख्याए खोना भक्ति विनोद कांदिया काटारो आती
ना भजिया तोरे दिन बैठा गेलो एखनो की होबे गति बदख्या एखन भक्ति विनोद कांदिया काटार आती ना भुजिया तुमि दिन बैठा गेलो एखन की होबे गति। बहुत सुंदर श्लोक से भक्ति विनोद ठाकुर एंड करते हैं, बोलते कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब क्या करूं? जन्म से शुरू किया था कहानी, बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ाई की, देश विदेश गया, पैसा कमाया, परिवार को देखा, सब हो गया मेरा ड्यूटी। अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मुझे याद आ रहा है कि अब मेरा क्या होगा, मैंने तो पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, भगवान का नाम तो लिया ही नहीं, भगवान की सेवा तो की ही नहीं, अब मैं क्या करूं? अब भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि अब घबराहट हो रही है। ये है हमारी कहानी। जब यंग होते हैं, शरीर में शक्ति है, तब लगता है कि इट्स ऑल राइट, मैं अपने आप को देख सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमें भगवान याद नहीं आते हैं। लेकिन जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, आँखें काम नहीं करती, हाथ पैर काम नहीं करते, शरीर में और शक्ति नहीं है, लोग आपसे बात भी नहीं करना चाहते। जब आप यंग हो, टैलेंटेड हो, आप एकदम एक्टिव हो, आप किसी की मदद कर सकते हो, तो आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी आपसे बात करेंगे। आप आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के पास जाओ और आप जाके उनको बोलो कि भैया मैं तुम्हारे कुछ हेल्प नहीं कर सकता, मेरे को थोड़ा इधर में दर्द है, मेरे को इधर में दर्द है, तो मैं बैठूंगा, तो आपको पसंद नहीं करेंगे, आपको बुलाएंगे भी नहीं आपके घर। वो आपको क्यों बुलाते हैं? थोड़ा सा मदद कर देंगे, थोड़ा हेल्प कर देंगे। आप जब किसी पे डिपेंड हो जाओ, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। आपके बच्चे जो अभी आप, क्योंकि आप यंग है, आप उनकी सेवा कर रहे हो, तो बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे प्यार से बात कर रहे हैं। अब थोड़ा साल के बाद में जब आप बोलोगे थोड़ा सा ये लेके आ जाओगे, क्या मेरे से नहीं होता है, तब आपको उल्टा डांटेंगे, कौन बोला था ऐसा करने के लिए, आपको थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए ना, आप वजन क्यों कम नहीं करते, उल्टा आपको प्रवचन देंगे, कोई मदद नहीं करेगा। तब एकदम घबराहट हो जाएगी शरीर में कि इतना साल ऐसे ही मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मेरा टाइम तो चला गया, अब मेरे को आंखों से दिखाई नहीं देता कि मैं भगवान को देखूं, मैं चल के मंदिर नहीं जा सकती हूं, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ बोलते हैं प्रवचन में तो समझ में नहीं आता है, बैठ के सुनेंगे तो कमर में दर्द है, इतने देर बैठ नहीं सकते, अब मैं क्या करूं ठाकुर जी। वो हिंदी भजन है ना, बहुत फेमस, बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या खोया क्या पाया। बहुत सुंदर भजन है। अब भी देर नहीं हुई बंधे, ले ले हरि का नाम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलते बचपन तो खेल खेल में चला गया, भरी जवानी सोने में चला गया, अब जब बुढ़ापा आ गया तो बैलेंस शीट देख रहे कि मैंने क्या किया भगवान के लिए। लेकिन अभी भी कवि बोल रहे हैं कि अभी भी लेट नहीं हुआ, कम से कम अभी भी भगवान का नाम ले लो, अभी भी राम का नाम ले लो। ये हमारी परिस्थिति है। अभी शरीर में शक्ति है तो लगता है कि होल वर्ल्ड इज़ इन माई हैंड, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा तब हर पल याद आया कि मैंने गलती किया, मैंने भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं किया। और ये जो स्वजन के लिए कष्ट कर रहे हैं वो तो चले जाएंगे आपको छोड़ के। एक बेटा लंदन तो एक बेटा अमेरिका, और माता का क्रियाकर्म करती है हॉस्टल के वार्डन, वो लड़का फ़ोन करके बोल देगा देखो मेरा माँ का क्रियाकर्म कर दो, मैं आ नहीं सकता, मेरे को वीज़ा प्रॉब्लम है। और उसके लिए पूरा जीवन सैक्रिफाइस कर दिया, ना भगवान का नाम लिया, ना भगवान की सेवा की, मेरे बच्चे हाय हाय, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, मेरे बच्चों को मैं सब कुछ करके दूँ, उनकी एग्ज़ाम, उनकी पढ़ाई, उनके लिए पूरा जीवन डेडिकेट हो गया। तो ये है हमारी जीवन की कहानी, ये भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं। चलो कम से कम भक्ति विनोद ठाकुर ने हमको ये कहानी का एंडिंग भी बता दिया, सस्पेंस में नहीं रखा, स्टार्टिंग से लेके एंड भी बता दिया कि भैया तुम्हारा एंड तो ऐसे होने वाला है। कम से कम हम स्टार्टिंग तो चेंज नहीं कर सकते, ऑलरेडी हो गया वो, कम से कम हम एंडिंग तो पिक्चर का चेंज कर सकते हैं ना, क्लाइमैक्स। अभी भी अगर हम हमारे जीवन में कोई चेंजेस ला सके, अभी भी अगर हमारे जीवन में भगवान को हम मिला सके, तो अभी भी क्लाइमैक्स चेंज हो सकता है, अभी भी हमारी मूवी की एंडिंग कुछ अलग तरीके से हो सकती है, जहाँ हम गुरु और कृष्ण के साथ, गुरु के साथ हंसते हंसते भगवत धाम
जा सकते हैं, अभी भी ये चांस है, कम से कम अभी से हम सीरियस हो जाए भक्ति जीवन के, नहीं मेरे को नहीं चाहिए ऐसा वाला एंडिंग, मुझे भगवान का अच्छा भक्त बनना है, मुझे भगवत धाम वापस जाना है। सक्सेसफुल होना गलत नहीं है, यहाँ पे मेन पॉइंट है कि बी कनेक्टेड टू कृष्णा, क्योंकि भौतिक सक्सेस आपको आनंद नहीं देगा, नहीं देगा। जिसको भौतिक सक्सेस मिला है उसे भी तो आनंद नहीं लग रहा है ना, सब भगवान की ओर ही देख रहे, आनंद तो यहीं है, आनंद तो यहीं मिलेगा। तो क्यों ना, जब पता है आनंद यहीं मिलेगा तो क्यों ना अभी से कनेक्ट करें। आनंद घन भगवान है, ये आनंद घन है, इनके पास आनंद है, तो क्यों ना अभी से हम कनेक्ट करें। जब हम जानते हैं आनंद का मूल क्या है, आनंद कहाँ से मिल सकता है। आज मैं यही एंड करूँगी, सोच रही हूँ हो सके तो बीच बीच में हम ऐसे वैष्णव आचार्यों के भजन में बहुत डीप मीनिंग भरा हुआ है उसको समझने में और हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन जो है वो हमेशा ऑफ ट्रैक चला जाता है। जिस तरह से जब हम गाड़ी चलाते हैं, अगर आप स्टेयरिंग से हाथ निकाल दोगे ना तो गाड़ी कभी राइट चली जाएगी तो गाड़ी कभी लेफ्ट चली जाएगी, आपको हर वक्त स्टेयरिंग पे हाथ रखना पड़ेगा। जो पायलट एरोप्लेन चलाता है, बोला जाता है कि 90% ऑफ द टाइम उसका प्लेन यहाँ वहाँ चला जाता है, वो बार बार प्लेन को सही दिशा में लेके आता है। वैसे हमारा जीवन भी बार बार, कभी हम इधर अट्रैक्ट हो जाते हैं तो कभी हम उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन इसलिए हमें ज़रूरी है बार बार श्रवण करके अपने माथा को, जो अपना जो मन है उसे मारे कि तुम सही दिशा में जाओ, ये है हमारे जीवन का लक्ष्य। और जब हम श्रवण करते हैं तब हमारा जीवन का लक्ष्य हमें क्लियर हो जाता है, ये है मेरे जीवन का लक्ष्य, मुझे नहीं भूलना है और इसकी ओर मुझे चलना है, कृष्ण की ओर मुझे चलना है। यही ख़त्म करेंगे, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्ण।